रफ्तार के जुनून में एक चालक ने बस को इतनी तेज गति से दौड़ाया कि वह उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से नीचे उतरकर खंभे से जा टकराई। बस की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली का खंभा पूरी तरह टेढ़ा हो गया। घटना के बाद बस में चीख पुकार मच गई और 3 लोग घायल हो गए। सिद्धि विनायक ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP11P2599 बुधवार दोपहर देवास से उज्जैन आ रही थी। चालक तेज गति से बस चला रहा था। बस में बैठे यात्रियों ने उसे स्पीड धीमी करने को भी कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। दताना के समीप ओवरटेक करने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और बिजली के खंभे से जा टकराई। इससे उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में करीब 50 लोग सवार थे। घटना के बाद सभी चीखने लगे। हादसे में ज्योति पिता बंसीलाल उम्र 35 साल निवासी दानीगेट, मोहम्मद आरिफ पिता शरीफ उम्र 25 साल निवासी लखनऊ और राम गोपाल पिता देवनारायण राठौर उम्र 50 साल निवासी शिवाजी पार्क खालचोट घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। घायल मोहम्मद आरिफ ने बताया, चालक की लापरवाही से बस पलटी। वह काफी तेज बस चला रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में बस का अगला पहिया सड़क से नीचे उतर गया और हादसा हो गया। सर गाड़ी तेज थी और गाड़ी जो है ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था और ओवरटेक करते करते वो अगला पहिया जो है नीचे उतर के सीधे जो जाके खंभे में लड़ गई। जाके लगभग सवारी होती 50-60 के करीब में होती सवारी। सर कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही?